नमस्कार, न्यूज जयपुर से। चौधरी पिंक सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल माचवा कालवाड़ रोड जयपुर में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्ष उल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों के द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, गणेश जी की प्रतिमा व उनके जीवन की रूपलीला, गणेश वंदना व गणेश जी की आरती की गई। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक व संपूर्ण विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। सभी देश और प्रदेश वासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। इस समय हम पहुंच चुके हैं चौधरी पिंक सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सबरामपुरा माचवा में, और यहां विद्यालय के प्रांगण में गणेश चतुर्थी के पर्व पर बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस समय हमारे साथ विद्यालय के स्टाफ और बच्चे हैं, सीधी उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, रमेश जी यादव है हमारे साथ, गणेश चतुर्थी के बारे में पूछते हैं उनसे। गणेश जी चतुर्थी, आज गणेश जी की गणेश चतुर्थी मना रहे हैं सर, इसके बारे में आप बताना चाहें कुछ? जी बिल्कुल सर, हमारी चौधरी पिंक सिटी स्कूल के अंदर गणेश उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बच्चों ने अलग अलग मूर्तियां लेके आए हैं, कोई कुछ लेके आए हैं, एक बच्चा गणेश जी का रूप भी लेकर आया है, गणेश जी ही बन के आए हैं। सभी बच्चे अनुशासन के साथ, शांति के साथ बैठे हैं और गणेश वंदना हमने ढंग से की है, दीप जला के प्रज्वलित किया है, और गणेश जी के बारे में बहुत सी कथाएँ बच्चों ने कही है, गणेश जी की वंदना की है, गणेश जी के पाप कई प्रकार के नाम इन्होंने बताए हैं। हमारी सारी स्कूल के बच्चे आज बहुत ही उत्सुक है और बहुत खुश है कि आज हमारी स्कूल के प्रांगण में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। सर, गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें दर्शकों को आप। गणेश चतुर्थी मनाने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि ये भगवान गणेश जी के जन्मदिन से मनाई जाती है। कहा जाता है कि माता पार्वती जब स्नान करने गई थी तो उन्होंने एक मिट्टी का गणेश जी बना दिया था, एक मिट्टी की प्रतिमा बना के उसमें जान फूंक दी थी, और ये बोल दिया था कि जब तक मैं स्नान करके बाहर नहीं आऊँगी आप किसी को अंदर मत आ देना। लेकिन भगवान शंकर वहाँ आ गए, उन्होंने को मना करने के बाद में वो मना कर दिए तो वो माने नहीं। गणेश जी भगवान भी आज्ञाकारी पुत्र थे, उन दोनों के बीच में द्वंद्व हुआ, भगवान शंकर को गुस्सा जल्दी आता है, उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला, त्रिशूल निकालने के बाद में उस त्रिशूल को इतने वेग से फेंका कि भगवान की मुंडी कट के कई नदियों में जाके गिर गई, जो ढूंढने पर भी नहीं मिली। आवाज सुनकर माता बाहर आई और माता ने अपना रूप, विशालकाय रूप प्रकट कर लिया। सृष्टि के विनाश के नौपत की बात आ गई, अब तो सृष्टि का विनाश होने वाला है। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से निवेदन किया कि हे महादेव, सृष्टि का विनाश हो जाएगा अगर माता ऐसे रुष्ट हो गई तो। फिर भगवान शंकर ने उसका समाधान निकाला और अपने गणों को कहा कि आप धरती पर जाओ, और जो माता अपने बेटे को सीने से नहीं लगा रखी है, पीठ देकर सो रही है ना, उस बच्चे का चोरी से सिर काट के ले आओ। लेकिन सभी गण गए, उन्हें पूरे धरती लोक पर ऐसी कोई माता नहीं मिली जो अपने बच्चे को पीठ देकर सोए। इसलिए आज हमारे मान्यता भी है कि कोई भी माता अपने बच्चे को पीठ देकर नहीं सोती है। सब परेशान हो गए तो नंदी, जो भगवान की सवारी मानी जाती है, मेन महत्वपूर्ण गण माने जाते हैं, वो जंगल में जाते हैं तो उनको हथनी मिलती है, जो हथनी मदमस्त होकर सो रही थी और अपने बच्चे को पीठ दे रखी थी तो उसी का सिर मौका देकर वो काट के भगवान शंकर के सामने ले आए। लेकिन माता पार्वती ने मना कर दिया। फिर सभी देवगणों ने समझाया कि गणेश जी का जन्म बहुत बड़े कल्याण के लिए हुआ है, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आने वाले युग में गणेश जी के द्वारा ही किए जाएंगे। तो माता के बात कहने के बाद में उन्होंने वो सिर गणेश जी के लगा दिया और उसमें जान डाल दी। तब से वो सूंड वाले गणेश जी हो गए और भगवान शंकर ने ये कहा दिया कि मेरे सभी गणों में से सर्वश्रेष्ठ गण ये गणपति रहेगा। उसके बाद में भगवान का नाम गणपति रखा गया। मैं बस यही कह के अभी आगे हमारे सर रामेश्वर जी सर है, वो और कुछ आप लोगों को बताएंगे। जी सर, आगे हमारे साथ एक बच्चा है जो गणेश चतुर्थी के पर्व पर गणेश जी बन के आया। बेटा अपना नाम बताएं। आज आप क्या बन के आए हो? गणेश जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। आज क्या हुआ था गणेश जी का, ये गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं पता है आपको? हैप्पी बर्थडे। किनका? गणेश जी का। गणेश जी का हैप्पी बर्थडे, बहुत बढ़िया। आगे विद्यालय के डायरेक्टर रामेश्वर जी चौधरी है, सीधी उनसे बात करते हैं। सर, गणेश चतुर्थी के पर्व पर कुछ कहना चाहें आप? देखो सर, पहले तो आज मैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस विद्यालय के समस्त स्टाफ,
छात्र छात्राएं, इनका सबका स्वागत करता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। सर, गणेश जी का ऐसा एक त्यौहार है गणेश चतुर्थी कि ये पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, यह नहीं पूरे देश में। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है, चाहे शादी विवाह हो, चाहे मकान बनाना हो, कोई भी काम हो, सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है। ओके सर, इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज 18। कैमरा जर्नलिस्ट रतनलाल चौधरी के साथ मैं आपका दोस्त बजरंग सिंह शेखावत, न्यूज 18, राजस्थान, जयपुर।